अगर समाज में जातिवाद है तो राजनीति में भी जातिवाद रहेगा, समाज में भ्रष्टाचार बा तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार रही। रवा मुखिया जी के चुनाव करता नहीं, वोट लेते समय 500 रुपया ले लेनी आ फिर सोचता नहीं कि वो मुखिया ईमानदार काहे नहीं के, दोनों बात कैसे हो रे भाई। 500 रुपया लेकर मुखिया का वोट दीजिएगा आ फिर कहिएगा कि मुखिया बड़ा चोर बा। तो भैया सबसे पहले चोरी का शुरुआत तो आप ही कर रहे हैं। जो वोट अगर आप गलत दीजिएगा तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही पूरे अभियान का प्रयास है। ये कई आदमी के भी बुझाता, हम लोग 150 आदमी के साथ पैदल चलते हैं, नेशनल हाईवे पर नहीं जाते हैं, गांव गांव जा रहे हैं। तो कई आदमी के बुझाता कि बुर्बक बान 50 आदमी से घूमता हम पगलाई बान, ऐसे थोड़े हुई बहुत भीड़ रही तो अच्छा रही। मेरे भाई ये 50 बरस की जमी हुई काई है, काई लागल काई लागल व फर्श पर दौड़े जाए तो गिर जाए, हाथ पे टूट जाए। जैसे काई छोड़ाई ला बैठ के ईटा से रगड़ के धीरे धीरे वैसे ही छोड़ावे के पड़। आप गांधी मैदान में रैली करके लोगों को जाइएगा समझाने तो कोई समझेगा, घरे घरे जाके बताना पड़ेगा, लोग समझेंगे। और अगर समझेंगे तभी बिहार सुधारा जा सकता है। ये प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगा, बिहार के लोगों के चरित्र में अगर सुधार आएगा, आपकी चेतना जगेगी तब सुधरेगा। और नहीं जगिएगा, नहीं सुधारिएगा तो प्रशांत किशोर के तो क्या हुई, दो बरस हमारा समय गया, हम तो कुछ सीखे, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जिस गरीबी में जिस बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके आने वाला पीढ़ी भी जिएगा। जिसको साधन होगा वो बिहार छोड़ के भागेगा, जिसका साधन नहीं होगा यही पर मरेगा खपेगा। तो यही बताने का प्रयास है। ये मत सोचिए कि प्रशांत, बहुत आदमी को आता प्रशांत किशोर आई बाण बड़ा होशियार बाण भैया रुआ सुधार दे, बिल्कुल नहीं सुधार सकते। ये एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर, ये नहीं सुधरने वाला है। ये सुधरेगा तब जब आप ये चिंता कीजिएगा, आप ये समझिएगा कि इसके सुधारने की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, हम गांव गांव 1000 से ज्यादा गांव में चल गए नहीं पैदल, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें 400-500 परिवार के लोग बाहर जाके मजदूरी नहीं कर रहा है। तो आपका लड़का, आपका घर का सवांग, आपका जवान घर का आदमी जाकर बहरी मजदूरी कर रहा है, कोई मान ली पैसा लगा तो पढ़े होकर लेकर गए बाहर। तो आपका बच्चा कैसे आपके साथ रहेगा तो जब पढ़े को साधने नहीं थे, जे मजबूरी में जाता मजदूरी करे तो जाता, जे अच्छा बा वो बहरी नौकरी कर जाता, कहे से कोई जा रही ना सके। ऐसा नहीं कहे खाली गरीब में पिसाता हूं, बहुत आदमी धनी जे बा करे यो बुझाते कि भाई हमारा कहे से मतलब बा। अरे भाई तो आपका भी तो बच्चा आपके साथ नहीं रह सकता है, जब नौकरी कर लेगा तो आप अपने कहिएगा बेटा हुई रहो, ऐसा तो कुछ है नहीं खे। तो आपको तो वो सुख कभी मिलना ही नहीं है। आपको जो परिवार का सुख है, बिहार में कितना परिवार है जो अपना बच्चा को बढ़ते हुए देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। मजदूर है तो बेचारा साल में एक बार आता है, छठ में तो 10 दिन अपने बच्चा के साथ रहा, उसके बाद सालों भर तो बाहरी मजदूरी करता है। जे पैसा वाला बा ओकर लइका 5 बरिस 6 बरिस के आदमी ओकरा के जल्दी हॉस्टल में भेजा था, भाई बाहर जाओ जे पढ़े जाए तो पढ़े के व्यवस्था नहीं के। आपको भी अपने बच्चे को देखने को नहीं मिल रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख के कहीं नौकरी करने लगा तो बिहार में आइए नहीं सकता है, बिहार में कोई उपाय नहीं है नौकरी के, ना ही बेरोजगार बा, तब मजदूरी करते वाला जूता खाता गाली सुनो तब पूरा भारत भर में घूम के। तो कोई ऐसा परिवार नहीं है जो इससे प्रताड़ित नहीं है। आप चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, अगर सड़क टूटल बा तो सब खातिर टूटल बा, स्कूल नहीं खे तो सब खातिर स्कूल नहीं खे। अगर इसको बिहार के लोग नहीं समझेंगे तो ये नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है, दल बना ली और मैं जातीय समीकरण बैठा ली, नेता लोग के खोज के ला के चुनाव लड़ा दी। अरे इस काम को तो 10 साल मैंने बहुत बड़े स्तर पर किया है, ये वो अभियान नहीं है। हमको कोई घबराहट नहीं है, आपको ये भी बता दे रहे, आप में से जिसको जल्दी है पहले से यहां दल है उसमें रहिए, उसमें जुड़िए, हमको उसे क्या दिक्कत है। हमको चलना इसी में, 2 बरस लगे 5 बरस लगे 10 बरस लगे हमको यही व्यवस्था बनानी है। आपको अच्छा लगे तो सोच समझ कर जुड़िए, और अच्छा नहीं लगे
तो पहले से जो सब दल है उसका झंडा लेकर घूमिए, लेकिन अगर घूमिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप भी खुद जिम्मेवार होइएगा, दूसरे पर उंगली मत उठाइए। कम से कम इसके बाद, इस अभियान के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि भैया विकल्प नहीं थे, आपके पास विकल्प का ऑप्शन है, बनाइए। इसके बाद भी नहीं अगर सुधरिएगा तो फिर किसी को दोष नहीं ना दीजिएगा कि भाई कोई प्रयास ना कोई लॉस। जितना ईमानदारी से ही प्रयास हो सकता है उतने ईमानदारी से प्रयास को किया जा रहा है। इसको देखिए, समझिए, जुड़िए, मूल्यांकन कीजिए, सब ठीक लगे तो इसको अपना बनाइए, और नहीं ठीक लगे तो जहां है वहां रहिए, चलिए रहे बिहार, उसे कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अपना परिचय देके पूछे।